वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच साढ़े बहुत ही सन्मानयोग गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब दे हेड ग्रंथी भाई प्रतपाल सिंह जी, भाई प्रणाम सिंह जी, दमदमी टकसाल दे बहुत ही सन्मानयोग बाबा मनमोहन सिंह जी बारन, पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा साहब जी दे बहुत ही प्यारे सरदार सतविंदर सिंह जी टौड़ा साहब, सरदार हरिंदरपाल सिंह जी टौड़ा टौड़ा साहब दे दोता जी, ते सरदार भगवंत सिंह जी मैनेजर गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहब पटियाला, ते सरदार कमलजीत सिंह जी गोना, दास करनैल सिंह पंजोली जनरल सकत्तर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी। अज दे मसलों संबंधी जो कल घटना वापरी है उदे संबंधी पहली गल मेरी जिहड़ी मैं कहनी चाहुंना कि पटियाला पुलिस ने जिहड़ा कल बरजिंदर सिंह परवाने ते परचा दर्ज कीता है, मैं उहदी जोरदार शब्दां विच निंदा करदा और मैं समझदा कि प्रशासन ने सरकार ने अपनी फेलियर नूं पर्दा पाउण लई बरजिंदर सिंह परवाने ते परचा दर्ज कीता। जदों चार दिन पहलां बरजिंदर सिंह परवाने ने बकायदा SSP पटियाले नूं एक मेमोरेंडम दिता कि 29 अप्रैल 1986 नूं दरबार साहब उत्ते टैंकां तोपां नाल कीते गए इंदिरा गांधी दे हमले तो बाद सिखां दे गुस्से अते रोह दा प्रगटावा करदे आ सिखां ने खालिस्तान दा ऐलान कीता सी। उस वरेगंढ नूं पंजाब दी धरती ते किसी भी जथेबंदी ने सिख जथेबंदी ने उनू मनाउण दा कोई प्रोग्राम नहीं सी उलीकिया, ना कोई जुलूस कढ़न दा, ना कोई सैमीनार करन दा, ना ही किसी किस्म दा कोई होर कुछ करन दा, इस किस्म दा कोई प्रोग्राम नहीं सी उलीकिया गया। लेकिन पटियाले दे एक बंदे ने जिहदा नां हरीश सिंगला है, उन्हें बार बार ऐलान कीते कि असी खालिस्तान दे ऐलान दे विरोध विच ऐलान मार्च कढ़ांगे। परवाने ने रेजुलेशन च कहा, मते च मेमोरेंडम च कहा भी जदों साडा प्रोग्राम कोई नहीं सानू चैलेंज क्यों किया जाता, जे उन्हें इदां दा मार्च कढ़िया फिर असी उहदा विरोध करांगे। तो मैं समझदा SSP पटियाले दी ड्यूटी सी, उहदा फर्ज सी, वह हरीश कुमार नूं तुरंत गिरफ्तार करदा ते 29 तरीक दी शाम तक उहनूं अरैसट करके अंदर रखदा ते जदों अमन शांति नाल गल मुक जांदी उहनूं छड्ड दिंदा। ते मैं समझदा जो घटनावां वापरियां ने वो स्टेट गौरमेंट दी और जिला पटियाले दी सिविल ते पुलिस प्रशासन दी नलायकी दा सिट्टा है। ते परवाने ते परचा बिल्कुल गलत दर्ज कीता गया, परचा उन्हां दे खिलाफ़ दर्ज होना चाहिदा सी जिन्हां ने अमन कानून अपने हत्थां विच लिया। परवाने ने तां अपनी उह गल कही कि जे इह इदां करनगे तां असीं बाद विच करांगे, इस करके इन्हां नूं रोको, इह अमन कानून ना भंग करन। इक तां गल इह है, दूसरी गल मंदिर मस्जिद गुरद्वारा चर्च जिन्हां दे विच परमात्मा दे नां दी उस्तति हुंदी है वो सारे थां जिहड़े ने वो सन्मानयोग ने, अपने अपने धर्म दे वो पूजण वाले थां ने। सिख पंथ दे अंदर मंदरां ते मस्जिदां दी राखी लई पिछले समें दे विच जंगलों में रहिंदिआं भी कुरबानियां ते शहादतां दित्तियां ने, लेकिन किसी मंदिर दा किते मस्जिद दा किसी दा अपमान करन दा जतन नहीं कीता। सरहंद दी धरती ते सब तो वड्डा दर्दनाक साका वापरिया, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जदों सरहंद ढाई है किसी मस्जिद नूं
किसी मंदिर नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कोई नुकसान पहुँचाउण दा यतन नहीं किया। गग्गी पंडित वल्लों कल जो एक वीडियो जारी करके कहा गया कि जी मंदिर का अपमान किया, ये बिल्कुल गलत गल है। किसी ने मंदिर का अपमान नहीं किया, किसी ने मंदिर ते रोड़ा नहीं मारिया, किसी ने मंदिर वल किसी किस्म की कोई मैली अख जां कैरी अख करके वेखण दा जतन नहीं किया। इहनू उस तरह जिवें इंदिरा गांधी ने टैंकां तोपां नाल दरबार साहब ते हमला किया सी उस किस्म का मतलब रंगत जिहड़ी है वह देण दा जतन किया जा रहा, यह बिल्कुल गलत गल है। असीं इहदी जोरदार शब्दों विच निंदा करदे हां। यह एक हिंदू भाईचारे नूं उहनां दे मनां विच नफरत पैदा करन दी एक साजिश है जिहड़ी कि मैं समझदा बिल्कुल गलत है, जिसनों किसी कीमत के उत्ते भी प्रवान नहीं किया जा सकता। दूसरी गल, हिंदुस्तान के अंदर हर रोज़ RSS शिवसेना भी तो होर हिंदू भाईचारे दियां नाल संबंधित जथेबंदियां हर रोज़ ये कहंदियां ने कि हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, इत्थे वो रहेगा जिहड़ा अपने आप नूं हिंदू साबित करेगा। लेकिन सिख पंथ ने कदे भी इस गल का जिथे भी वो अपना ऐलाननामा करते हैं, असी नोट्स तो लैने इस गल का कि भारत को आज़ाद करवाने लई 97% कुरबानियां असी दित्तियां, शहादत असी दित्तियां ने, फांसी के तख्त असी चूमे ने, ते काले पानी दियां जेलां असी कट्टियां ने। सब तो वध कुरबानी भारत को आज़ाद करवाने लई सिख पंथ की है। लेकिन आज़ाद भारत की धरती ते जिन्ना धक्का बेतकरा बेइंसाफी जुलम अत्याचार खालसा पंथ उत्ते होया इन्ना किसी कम्यूनिटी के उत्ते नहीं होया। पर जदों भी किसी दुश्मन ने भारत वल कैरी अख करके वेखण दा यतन किया, सब तो वध शहादतां सिख पंथ ने दित्तियां ने। भावें 1962 की जंग सी, भावें 65 की जंग सी, भावें 71 की जंग सी, 1971 की जंग विच 18 दिन जंग चली, 18,000 पंजाब की देहली सुनी होगी, 18,000 पंजाब का सिख गभरू शहादत का जाम पी गया। असी इहदी एकता अखंडता दे सब तो वध मदई हाँ। पर यह गल्लां करनियां कि जिहड़ा इस देश नूं हिंदू राष्ट्र के रूप में मनेगा वो देश च रहे, नहीं बाकी बाहर चला जाए। ये देश की अमन शांति नूं भंग करन वालियां गल्लां ने, ये देश की एकता और अखंडता नूं तोड़न वालियां गल्लां ने। कार्रवाई तो उन्हां लोकां दे खिलाफ़ होनी चाहीदी है, तो जे उन्हां लोकां नूं ये अधिकार है ये कहण दा कि हिंदू राष्ट्र है, असी हिंदू राष्ट्र बनाउणा चाहुंदे आ, तो फिर दूजियां कम्यूनिटियां नूं भी इस गल दा हक है कि वह अपनी भावनावां दा प्रगटावा करदे होए वो कहण कि सानूं भी आज़ादी चाहिए। खालिस्तान कहण नाल ना तो कोई अज तक हिंदुस्तान के अंदर अग लगी, ना दो फिरकियां विच कदे जंग होई, ना बिल्डिंगां ढईयां, ना इमारतां ढईयां, ना कुछ होया। सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद दे शब्द जरूर वरते बहुत सारे लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये गल्लां कहियां ने कि खालिस्तान कहना कोई क्राइम नहीं है। क्राइम वो है जदों तुसी भाईचारक सांझ नूं तोड़न दा यतन करदे हो। पर सिखां ने इन्हां गल्लां वल कोई बहुता ध्यान देण दा यतन नहीं किया। सिख सब तो वध देश की आज़ादी की गल सिखां ने की, लेकिन सिखां उत्ते देश धरोई दे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। RSS ते क्यों नहीं किए जाते, जिहड़े कहिंदे ने भी जिहड़ा हिंदू राष्ट्र कहेगा इत्थे रहे बाकी कोई पाकिस्तान चला जाए, उन्हां ते क्यों नहीं देश धरोई दे मुकदमे दर्ज किए जाते? परवाने ते तां करता, ते दूजिआं ते क्यों नहीं किया जिन्हां ने पटियाले नूं अग पटियाले की अमन शांति भंग करन दा यतन किया? असीं इस गल की भी निंदा करदे हां। तीसरी गल जिहड़ी है, जिहड़े सिंह दे गोली लगी है, साड़ी शंका है कि वह गोली पुलिस ने नहीं चलाई, वो गोली किसी शरारती अंसर ने चलाई, किने चलाई है इहदा तां सानूं पता नहीं। पर मैं असी तुहाडे जरिए प्रशासन नूं कहना चाहुंदे हां कि एक बोर्ड बनाओ, 3 मैंबरी बोर्ड बना के 3 डॉक्टरां दा वह गोली कढ़न और वह गोली चैक कराई जाए कि ये किहदी
किहदे रिवालवर चो आई है जां किहदी बंदूक विचो निकली है तां कि पता लग सके कि गोली चलाउण वाला कौन है। तो जिन्हें चलाई है उहदे खिलाफ 307 का परचा दर्ज होना चाहिए जिन्हें मतलब यह जे हालात पैदा किए। चौथी गल जिहड़ी है असी पहलां भी कहा सी चोणां तो पहलां भी कहा सी अज भी कहने के केजरीवाल पंजाब दी अमन शांति नूं भंग करके इत्थे अग ला के इत्थे घट गिणती नूं कुट गए पंजाब दे अंदर सिखां नूं कुट गए सिखां ते तशद्दद करके हिंदुस्तान दे अंदर का इंदिरा गांधी वांगू बहु गिणती नूं खुश करके अपना हिंदुस्तान च राज स्थापित करन दी साजिश रच लिया। और कल वाली घटना इस गल का सिट्टा है। उन्होंने चोणां दे दरम्यान शब्द वरते सन केजरीवाल ने कि जी पंजाब दे विच हिंदू खतरे विच, तुसीं मैनूं दसो पिंडां दे विच हिंदू भरा दुकानदारी करदे ने, कोई कपड़े की दुकानदारी करता, कोई किराने की करता, सारा सिख भाईचारा उन्होंने सौदा लैन जाता, कोई एक हिंदू भरा पिंड दे विच कह दे कि मेरी जान नूं खतरा सी सज़ा भुगतण लई तैयार हाँ हर तरह की। ये गल्लां सारियां जिहड़ियां केजरीवाल ने कहियां ने ये मैं समझदा ये उहदी साजिश का हिस्सा है जिहड़ी इंदिरा गांधी ने रची सी दरबार साहब उत्ते हमला करके बहु गिणती नूं खुश कीता ते देश दे अंदर सब तो वध पार्लीमेंट भी सीटां इंदिरा गांधी का मुंडा राजीव गांधी लैके गया, सब तो वध वोटां लैके उह जित्ते सी जदों दरबार साहब उत्ते हमला होया। इहो जिही भावना केजरीवाल दे हिरदे विच भी है। तो मैं ये समझदा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जिहड़ी है ना वो पंजाब दे हित विच है ते ना वो पंथ दे हित विच है। उन्हां दा इम्तिहान सब तो पहला ये सी कि पंजाब दे अंदरों राज सभा दे वो मैंबर भेजण दा जतन करदा जिहड़े मैंबर पंजाब दे हितां दे प्रति जाणू सन, जिहड़े पंजाब दे क्राइसिस नूं समझदे सी, उहे जे बंदे उहनूं भेजण दा जतन करना चाहीदा सी। लेकिन उन्हें वो भेजे जिन्हों को सरमाया सी, उन्हां तों धन लिया, धन लैके ते उन्होंने अपनी पार्टी चलाउण खातर वो बंदे राज सभा च भेजे। पहली मतलब धरोह जिहड़ा पंजाब नाल उह कीता। दूजा धरोह इह कीता कि पंजाब दा सारा अमला फमला जिहड़ा वो दिल्ली सद के ये कहा गया कि सरकार दिल्ली तो चलेगी। श्रोमणी अकाली दल बाहर एक पार्टी ऐसी कि जिहड़ी फैडरलिज्म नूं मंदी है, असी कहने शक्ति का विकेंद्रीकरण करो। आनंदपुर का रेजुलेशन शक्ति का विकेंद्रीकरण का संकेत दिंदा, देश नूं नहीं सी तोड़दा लेकिन साडे खिलाफ साजिश रची गई कि आनंदपुर का मता जी देश के टुकड़े करना चाहुंदा। आनंदपुर का मता सिर्फ ये गल कहिंदा सी कि हिंदुस्तान की सरकार चार अधिकार अपने कोल रखे, रेल डाक तार विभाग एक महकमा बनता, फौज उन्हां कोल रहे, करंसी उन्हां कोल रहे ते विदेशी महकमा उन्हां कोल रहे, बाकी सारे स्टेटां नूं वंडणे चाहीदे ने। लेकिन बदकिस्मती आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने पंजाब दे कोल जो कुछ भी था वो खो के भी दिल्ली लै गए कि दिल्ली तो सरकार चलिया करेगी। भगवंत मान सिर्फ एक मोहर है जिहड़ा जिथे जी करदा केजरीवाल ला दिंदा। पंजाब नूं हुण पछतावा होएगा। और सब तो वध दुख है कि केजरीवाल नूं किसे हिंदू भरा ने वोट नहीं पाई, केजरीवाल नूं वोट बहु गिणती च सिखां नहीं पाई, उन्होंने पाई जिन्हां नूं कल सरकार ने कुटिया और जिन्हां ते मुकदमे दर्ज किए, उन्हां लोकां ने सब तो वध केजरीवाल की हमायत की सी। ते मैं समझदा एक नवीं साजिश होर च रहा। अखीरली गल जिहड़ी मैं आप दे जरिए कहना चाहुंदा, पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा वर्गी इमानदार नेक शख्सियत गुरमत दे रंग विच रंगी हुई सरबत दे भले दी गल करन वाली पूरा जीवन जिस मनुख ने पंथ और पंजाब ते देश दी चढ़दी कला लई गुजारिया होवे उहने कदे भी पंजाब दी फिजा की देश दी फिजा दे अंदर इहो जे शब्द नहीं वरते जिहड़े भाईचारक सांझ विच किसे तरह की त्रेड़ पाउंदे होण। उहनां दे पिंड टौड़े दे विच मुसलमान भरा रहिंदे ने, उहनां दी मस्जिद जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा ने बनवाई कोलों पैसे दे के,
टौड़े पिंड विच मंदर है, मंदिर की सेवा करवाउण विच जथेदार टौड़ा ने रोल अदा किया। टौड़े पिंड विच अज भी जाके चले जाओ कि उस पिंड का मुसलमान हिंदू दलित कोई भी रहने वाला है वह जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा नूं याद कर करके रोंदा। जिहड़ा बंदा कल गग्गी नां दा पंडित जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा साहब के खिलाफ जिन्हें अपमानजनक टिप्पणियां वरतिया ने, वो कहिंदा जी टौड़ा साहब अनारदाना चौंक आए असी इत्थों भजाए, मैं गुरद्वारा दुख निवारण साहब च बैठा, जिंदगी विच किसे धरने किसे मजारे दे विच जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा कदे भी उस थां गए नहीं जिहदा जिक्र वह कर रहा सी, कदे भी नहीं गए। उन्होंने मजारे किते डीसी दे खिलाफ, उन्होंने धरने दिते डिप्टी कमिश्नर दे दफ्तरां दे अगे, वह कदे भी उस थां नहीं गए। और भाईचारक सांझ नूं जिन्ना मजबूत टौड़ा साहब ने किया इन्ना कोई नहीं रख सकिया। उस बंदे ने जिहड़े अपमानजनक शब्द वरते ने, मैं SSP साहब नूं, IG साहब नूं, DIG साहब नूं, डिप्टी कमिश्नर नूं यह कहना चाहुंना उचेचे तौर पर अज्ज दे मीडिया दे जरिए कि जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा साहब की सेवा उहदी कुरबानी जिड्डी महान आ, जिड्डा महान वह पवित्र मनुख सी, जिड्डी पवित्र वो आत्मा सी, जो शब्द अपमानजनक उहदे खिलाफ वरते ने, इहो जिहे बंदे दे खिलाफ जिन्नी छेती हो सकता परचा दर्ज करना चाहिए। उन्हें कायदा बकायदा रिकॉर्डिंग की है, उहदी रिकॉर्डिंग चके सरकार, उहदे खिलाफ परचा दर्ज करे। जे ना किया तां अगली गल पंथ विचारेगा कि उहदे खिलाफ की कार्रवाई करनी है। ये किसी कीमत दे उत्ते बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि पंथक लीडरां दे खिलाफ इहो जिहियां अपमानजनक टिप्पणियां कीतियां जाण, असीं ये बर्दाश्त किसी कीमत नहीं करांगे भावें कुछ भी हो जाए। नंबर तीसरी गल जिहड़ी आखिरी गल है, मैं पटियाले दे हर बछिंदे दा असीं सारे जणे धन्नवाद करदे हां कि फेल सरकार होई, फेल प्रशासन होया, तो पटियाले शहर के बछिंदे वो अपने फर्ज विच पूरी तरह पास होए, जिन्होंने इत्थे अमन शांति भंग होने तो मतलब पूरी तरह अपनी जिम्मेवारी निभाई कि उन्होंने किसी तरह की भी पंजाब पटियाले अग नहीं लगन दिती, पटियाले की एकता शांति उहदे ते पूरी तरह पहरेदारी की। सो मैं इन्हां गल्लां दे नाल तुहाडा सारां दा धन्नवाद करदा हां।